हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर वन दैट इज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फूड। ऑप्शन गिवन आर फूड कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, फूड कीप्स अस फ्री फ्रॉम डिजीज, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, ऑल ऑफ द अबव। योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, इट कीप्स अस फ्री फ्रॉम डिजीज एंड इट गिव्स एनर्जी टू डू वर्क। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्ग्रीडियंट्स ऑफ खीर कुक्ड एट हाउस आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नन ऑफ दिस। योर ऑप्शन सी दैट इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, because rice is obtained from plants and one of the ingredients kheer that is milk is obtained from animal sources. Next, which of these ingredients is not obtained from plants or animals? Honey, milk, wheat, salt. We know that honey and milk, these are obtained from animals and wheat is a plant source. So your option D, that is salt, is your correct answer, and salt is obtained from sea water. Next, mushrooms are rich source of roughage, protein, roots, carbohydrates. Mushroom are rich source of protein. Next, when lemon or vinegar is added to warm milk, it is called setting up milk, curdling up milk, pasteurization, creaming. It is called as curdling up milk. Your option B is right answer. And in this process, paneer is made. Next, germination of seeds is known as sapling, sprouts, vegetation, none of these. Germination of seeds is here sprouts, option B. Next, hens reared for eggs are called broilers, layers, both A and B, none of these. Hens reared for eggs are called layers, that is option B. And those reared for chicken meat are called as broilers. Next question, honeybee makes honey from pollen, petals, nectar, bud. Honey is made from nectar, option C. Question number 9, which part of its parent plant is potato, which we eat as a vegetable? Stem, root, branch, bud. The potato which we eat is stem, or that is modified stem. So option A is correct. Next, which part of its parent plant is sweet potato which we eat as a food? Flower, bud, root, stem. This is the sweet potato, shakarkandi. Wo kya hota hai? That is modified root. Option C is correct. Next question number 11. The part of a banana plant not used as food is flower, fruit, stem, root. Not used as food, that is option D, that is root. Flower, fruit or stem, ये सब use होता है हमारे खाना बनाने के लिए, तो so your root is correct answer. The flowers of which of the following plant are not eaten as food? Option are banana, drumstick, bougainvillea, pumpkin. The given इनमें से जो दिया गया है इनमें से कौन सी प्लांट का फ्लावर को फूड के हिसाब से नहीं खाते हैं? बनाना का
खाते हैं, ड्रमस्टिक भी खाया जाता है, पंपकिन का भी खाते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज बबून भिलिया, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द लीव्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट ईटन एज फूड। दिस प्लांट इज मस्टर्ड, मैंगो, कैबेज, लेट्यूस। मस्टर्ड, कैबेज एंड लेट्यूस, इसका लीव्स को खाया जाता है। सो योर राइट आंसर इज मैंगो। क्लोव एंड सेफ्रॉन आर ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ व्हिच प्लांट पार्ट। रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। दीज आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड ऑफ मूवमेंट, द साइज ऑफ देयर कम्युनिटी, हाउ दे ऑब्टेन फूड, हाउ दे रिप्रोड्यूस। योर करेक्ट आंसर इज हाउ दे ऑब्टेन फूड, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड ऑफ कार्निवोर। स्प्राउटेड सीड्स, ग्रीन लीव्स, ड्राइड लीव्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फूड ऑफ ए कार्निवर, कार्निवर दैट इज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्बीवोर। लायन, कैमल, कैट, हॉक। हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी। सो योर ऑप्शन बी दैट इज कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोर यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल। ऑप्शन गिवेन आर एलिफेंट, बुफालो, रैबिट, वोल्फ। हियर वोल्फ इज ए कार्निवोर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवोर। गोट, वल्चर, मैन, डियर। योर करेक्ट आंसर इज सी दैट इज मैन। ये सर्वाहारी, दे ईट बोथ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। नेक्स्ट योर लास्ट क्वेश्चन, कोकोआ ट्री इज द सोर्स ऑफ नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर। व्हिच पार्ट ऑफ द ट्री इज द सोर्स। रूट्स, स्टेम, सीड्स, लीव्स। दैट इज हियर ऑप्शन सी दैट इज सीड्स इज योर राइट आंसर, फ्रॉम व्हिच द चॉकलेट फ्लेवर इज मेड। ओके, थैंक यू।